हे गाइस, व्हाट इज अप। और दोस्तों, आज हमारे पास एक और यहाँ पर रगेड स्मार्ट वॉच है फायर बोल्ट की, और ये है फायर बोल्ट कॉम्बैट। अब इससे पहले भी ना हमने फायर बोल्ट की, फायर बोल्ट शार्क और फायर बोल्ट कोबरा का भी रिव्यू किया था। दोनों ही भाई मतलब रगेड स्मार्ट वॉच है, लेकिन अभी उन्होंने एक और यहाँ पर रगेड स्मार्ट वॉच लॉन्च करी, और इसका प्राइस उन्होंने रखा है सिर्फ 1799 रुपये। और इस वॉच को ना मैं यहाँ पर कुछ टाइम से यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहा था, देख सकते हो मैंने इसे पहना हुआ है। तो कैसी स्मार्ट वॉच है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सारे प्रोज एंड कॉन्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कैसी ये स्मार्ट वॉच है, आपको लेनी चाहिए अपने। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये रहे हमारे भाई फायरबोल्ट कॉम्बैट के बॉक्सेस, और ये मेरे पास दो कलर में है। एक ये जो है ये है कैमो ब्लैक कलर, और ये है कैमो ग्रीन कलर। और कैमो ब्लैक वाली को मैं ऑलरेडी अनबॉक्स करके यहाँ पर यूज़ कर रहा था, और देख सकते हो इसकी लुक भाई कुछ इस तरह से रहती है। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन जल्दी से ये जो कैमो ग्रीन कलर है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स ओपन करते ही देख सकते हो जो वॉच है ये भाई कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, और दिखने में भाई ये वाली वॉच भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। वैसे कैमो ग्रीन कलर जैसे आर्मी टाइप की लुक रहती है, तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर जो इसकी चार्जिंग केबल मिलती है, और ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है पोको कनेक्टर पिन वाली। और हमेशा की तरह यहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स और डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगी बॉक्स में। ऐसे कई लोग बोलते हैं भाई अनबॉक्सिंग वगैरह मत किया करो, सेम सेम तो होती है, लेकिन कई लोगों को भाई अनबॉक्सिंग भी देखनी होती है। लेकिन अब आते हैं हमारी ये फायर बोल्ट कॉम्बैट स्मार्ट वॉच की तरफ, और देख सकते हो इसकी जो लुक है ना बहुत ही यहाँ पर रगेड टाइप की है। इसके स्क्रीन के ऊपर एक स्टिकर लगा, तो उसको हटा देते हैं, और देख पाओगे कि यहाँ पर आपको जो एक स्क्वायर डिस्प्ले वाली रगेड स्मार्ट वॉच मिल रही है, दिखने में भाई बहुत ही सही लग रही है। और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है, ऑब्वियसली आपको पॉलीकार्बोनेट मिलती है यहाँ पर नीचे की तरफ, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ जो फ्रेम है ना ये पूरा आपको मेटल का मिलता है। काफी बढ़िया दिखने वाली स्मार्ट वॉच है वैसे। बट एक चीज अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं करी ना, वैसे इसका नाम है फायर बोल्ट कॉम्बैट, लेकिन वॉच के ऊपर यहाँ पर इग्नाइट लिखा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी फायर बोल्ट ने शायद सोचा होगा कि इसका नाम पहले इग्नाइट रख दें, फिर आई थिंक इग्नाइट नाम से एक घड़ी है लेकिन वो रगेड स्मार्ट वॉच नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने यहाँ पर इसका नाम कॉम्बैट रख दिया लेकिन वॉच पर इग्नाइट ही लिखा हुआ है। बट नो डाउट यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी या फिर डिज़ाइन इस वॉच का भाई बहुत ही बढ़िया लगता है। काफ़ी यहाँ पर रगेड टाइप के लुक है। इसके स्ट्रैप्स हैं देख सकते हो, ये भी जो कैमो ग्रीन कलर के स्ट्रैप्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स हैं। ऊपर यहाँ पर टेक्सचर्स है, पीछे यहाँ पर सॉफ्ट यहाँ पर जो सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं, और ऊपर यहाँ पर जो बकल है वो मेटल का ही आपको मिलता है। तो ये इसका कैमो ग्रीन कलर है, और दूसरी जो मैंने यहाँ पर पहनी हुई थी कैमो ब्लैक कलर, जो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी। देख सकते हो इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से रहती है। जो फ्रेम है या फिर जो मॉड्यूल रहता है जो वॉच का वो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो कलर है ना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कैमो ब्लैक कलर। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, कैमो ग्रीन या फिर कैमो ब्लैक, वो आप कमेंट करके बताओ। बाकी वॉच के ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर 1.95 इंचेस का यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो इसको ऑन करेंगे देखेंगे। उसके अलावा इसमें आपको दो बटन देखने को मिलते हैं, तो एक पावर बटन है या फिर मेन्यू बटन है, दूसरा यहाँ पर जो शॉर्टकट बटन रहेगा तो इसको हम देखेंगे। और ये जो बटन है ये मेटल के हैं। पीछे की तरफ इसके जो सेंसर आपको दिख जाएंगे, तो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स है, और ये भी यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है पीछे की तरफ। और ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो स्पीकर और यहाँ पर माइक्रोफोन आपको मिलता है। बाकी इन हैंड जो ये वॉच है ना थोड़ी सी हैवी सी फील होती है, तो एक बार इसका वेट भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो वॉच है इसका टोटल वेट है अराउंड 61 ग्राम, जैसे बोला थोड़ी सी हैवी फील होती है क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है। वैसे सिमिलर से ही लुक है जैसे आपको फायरबोल्ट कोबरा और शार्क में मिलता था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है डिजाइन में, लेकिन काफी बढ़िया लगा मुझे। और अगर नोटिस करोगे ना तो ऊपर वाला जो फ्रेम है ना हल्का सा रेज है यहाँ पर जो ग्लास से, और फायरबोल्ट बोलता है भाई काफी ड्यूरेबल ग्लास है ये, तो इसको हम थोड़ी देर में भी टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो देखते रहो। लेकिन जल्दी से अब इसको ऑन कर लेते हैं और इसके फीचर देखते हैं कि वो यहाँ पर कितने आपको डिफरेंट मिलते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए ये जो पावर बटन है ऊपर लिखा हुआ है पावर बटन, तो इसको प्रेस करना है और ये फायर बोल्ट लिखा आ जाएगा। बाकी इस बार ना फायर बोल्ट ने एक नई ऐप यहाँ पर यूज करी, वैसे नई नहीं है, इससे पहले भी यूज करी थी, और इसका नाम है क्यू वॉच प्रो। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया हुआ, जैसे बताया था ये वाली जो वॉच है कैमो ब्लैक कलर इसको मैं यूज कर रहा था, तो जितने भी फीचर रहेंगे मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। लेकिन ये जो ऐप है इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे, जो एक्टिविटी वाली या फिर इसके जो सेटिंग वगैरह चेंज करनी हो या फिर वॉच फेस भी लगाना हो तो वो यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन इसको थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर के बारे में। तो सबसे पहले तो इस वॉच का जो डिस्प्ले है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्क्वायर 1.95 इंच का एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले जैसा आप देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैसे एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन जो डीप ब्लैक्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी पंची से कलर है। और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन वगैरह है वो मैं कि यहाँ पर ठीक ठाक है, 240x286 पिक्सल की रेजोल्यूशन है आई गेस। ऐसे ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं है कितने निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन अराउंड 400 निट्स की ब्राइटनेस मुझे लग रही है, क्योंकि इंडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर विजिबिलिटी में, लेकिन आउटडोर में बहुत ज़्यादा सनी इन्वायरमेंट रहता है तो वहाँ पर हल्का सा डिम लगता है ये डिस्प्ले, लेकिन फिर भी जो विजिबल रहता है काफ़ी अच्छे से। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर लगी कि इस वॉच में आपको जो वॉच फेसेस मिलते हैं ना, जैसे आप देख रहे हो ये इसका वॉच फेस है, और मैंने इसकी ऐप से इसको इंस्टॉल किया था, और ये ना डायनेमिक वॉच फेस है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर हार्ट रेट पर टैप कर रहा हूँ तो देख सकते हो हार्ट रेट वाला ओपन हो गया, या फिर वर्कआउट वाला ऑप्शन यहीं से खुल जाएगा,
उसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल है, देख सकते हो यहीं से खुल गया है। तो डायनेमिक यहाँ पर ये वॉच फेस है, लेकिन जो सबसे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इस वॉच में ना आपको यहाँ पर 7 जो वॉच फेसेस दिए हैं, जिसमें से 6 जो वॉच फेस है आप खुद से यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ एक जो वॉच फेस रहेगा वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये वाला जो वॉच फेस है इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी वॉच फेस है मैंने इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल किए हैं, जैसा आप देख सकते हो सारे जो वॉच फेस है। और जो वॉच फेस की लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पर जैसा आप देखते हो बहुत ही बड़ी सी है, 150 प्लस आपको यहाँ पर जो वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया था कुछ वॉच फेसेस हैं जो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किए हैं, तो अगर आपको इनको रिमूव करना होगा ना तो 5 जो वॉच फेसेस हैं आप रिमूव कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये जो धोनी वाला वॉच फेस है ये आपका खुद का वॉच फेस रहेगा जो वॉलपेपर आप लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पर जैसे वॉलपेपर लगा लिया और इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे। और वॉच फेस है ना बहुत जल्दी यहाँ पर जो इंस्टॉल होता है, देख सकते हो बहुत ही क्विकली तरीके से यहाँ पर ये इंस्टॉल भी हो गया है और ये मेरी फोटो यहाँ पर लग गई है। तो अपनी फोटो लगानी हो भाई वो तो आप इस पर लगा सकते हो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो वॉच फेस है ना आप कस्टमाइज़ कर सकते हो रियल टाइम में, जैसा आप देख रहे हो मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ टाइम, तो वॉच में भी उसी टाइम पर मूव हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे से स्टेप काउंट नहीं चाहिए तो कैलरी चाहिए, तो वो यहाँ से जैसा देख सकते हो चेंज हो गया है। लाइव यहाँ पर मेरे को वेदर चाहिए तो वेदर आ गया, हार्ट रेट चाहिए। बाकी फोन का कलर है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, देख सकते हो भाई लाइव यहाँ पर आप ये जो कस्टमाइजेशन कर पा रहे हो इस ऐप में। तो वॉच फेस बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो लाइव आप एडिटिंग भी कर पा रहे हो, वेट नहीं करना पड़ता मतलब। बाकी इस वॉच फेस के साथ आपको इसके बेजल्स का भी आइडिया लग गया होगा कि इस वॉच में जो बेजल्स हो गया ना वो काफी कम है, क्योंकि ऊपर की तरफ ये जो फ्रेम रहता है, नहीं तो मैं आपको एक व्हाइट वाला जो वॉच फेस लगा के दिखा देता हूं जैसे ये वाला, तो देख सकते हो बेजल्स वगैरह यहाँ पर काफी मिनिमल से हैं। लेकिन उसके अलावा ना एक और चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि इस वॉच में आपको यहाँ पर डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन अभी ऑफ है, मैं यहाँ पर डबल टैप करता हूँ तो देख सकते हो स्क्रीन यहाँ पर ऑन हो गई है, जो कि एक LCD डिस्प्ले में वैसे आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो ये काफ़ी सही एक मुझे ऑप्शन लगा। बाकी जो UI है ना इसका वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, और देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी नोटिफिकेशन है, फिर भी किसी तरह से जो UI में लैग नहीं है, क्योंकि कहीं जो वॉचेज़ में लैग मिलता है नोटिफिकेशन पैनल में। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर जो क्विक टॉगल बटन है और यहाँ पर आप ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस जैसा है भाई ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है, और सेटिंग के ऑप्शन को मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पर यहाँ पर शॉर्टकट कार्ड रहता है, सबसे पहले एक्टिविटी के ऑप्शन है जिसमें आप जो स्टेप्स काउंट देख सकते हो, कैलरी बर्न देख सकते हो, और अभी यहाँ पर जो मेरे स्टेप्स देख रहे हो 1165, और मैं बोलूँगा कि काफ़ी मुझे एक्यूरेट लगे, मतलब 90-95% के आसपास यहाँ पर एक्यूरेसी लगी मुझे। उसके अलावा यहाँ पर हार्ट रेट जो आप देख पाओगे, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए मुझे पहनना पड़ेगा, थोड़ी देर में इसको टेस्ट करेंगे। म्यूजिक कंट्रोल आप कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर SPO2 का ऑप्शन है जिसके लिए मुझे ऑब्वियसली इसको पहनना होगा, और ये जो शॉर्टकट कार्ड है ना आप कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़ी देर बताऊंगा कैसे। बाकी वॉच का मेन्यू एक्सेस करने के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करना, तो इस वॉच का जो मेन्यू आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह से लिस्ट स्टाइल में, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो मेन्यू है देख सकते हो वो भी काफी स्मूथ है, टच रिस्पॉन्स मुझे काफी बढ़िया लगा। लेकिन ये जो मेन्यू स्टाइल चेंज करना है तो सेटिंग में जाकर प्रेफरेंस में आपको थीम में जाना होगा, और आपको यहाँ पर 6 मेन्यू स्टाइल दिख जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर ये वाला जो हनीकॉम ग्रिड स्टाइल से चूज कर लेता हूँ, तो अब ये जो मेन्यू स्टाइल है वो कुछ इस तरह से हो गया हनीकॉम ग्रिड स्टाइल में, और मेन्यू जैसा आप देखते हो भाई मुझे काफी स्मूथ लगा। उसके अलावा जैसे बताया भाई और भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं तो इसमें से चूज कर सकते हो, लेकिन लिस्ट स्टाइल में मैं आपको दिखाता हूँ। और इस मेन्यू में आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं, और इस वॉच में आपको यहाँ पर 150 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड हैं। अदर स्पोर्ट्स में जाओगे तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज भी हैं तो इससे ऐड कर सकते हो, तो ये सही है। उसके अलावा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है, टुडे यहाँ पर जो डेटा है वर्कआउट का वो देख सकते हो, टेलीफोन का ऑप्शन है, कॉल रिकॉर्ड, डायल और कॉन्टैक्ट्स। और इस वॉच में ना आप यहाँ पर 500 कॉन्टैक्ट्स इसकी ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो, तो भाई बहुत ही सही है, क्योंकि कई वॉचेज में सिर्फ 10 या फिर 20 से ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर 500 जो है वो आप कॉन्टैक्ट इसमें ऐड कर पाओगे। उसके अलावा इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये सही है। हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, SPO2, BP का भी ऑप्शन मिल रहा है, ब्रीथ ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। उसके अलावा अलार्म, वेदर का ऑप्शन है, और उसके बाद फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, टाइमर, स्टॉप वॉच, म्यूजिक, कैमरा, और सेटिंग में यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस है, और प्रेफरेंस में थीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर कंपोनेंट एडिंग का एक ऑप्शन है, जैसे बताया था यहाँ पर जो शॉर्टकट कार्ड है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा और फिर आपको प्रेफरेंस में जाकर कंपोनेंट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो कुछ कंपोनेंट्स हैं आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, जैसे स्लीप है या फिर टेलीफोन है या फिर स्पोर्ट्स है, तो ये सारे आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो ये बढ़िया है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऐड हो गए हैं तो, और लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो बाकी फीचर्स की बात करें तो प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर ब्राइट स्क्रीन का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब, टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हो, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, मीडिया की जो साउंड है ये आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, तो ये अच्छा ऑप्शन है, कहीं वॉचेज में आपको नहीं मिलता। उसके अलावा डायल सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें जो वॉच फेस चेंज कर सकते हो, उसके बाद फाइंड माय फोन का ऑप्शन है और नाइट ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन है, तो रात की जो टाइमिंग सेट कर सकते हो कि वॉच की जो ब्राइटनेस है कितनी रहे। उसके अलावा यहाँ पर कस्टम बटन है, तो नीचे वाला जो बटन है एक शॉर्टकट बटन है जिस पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, तो मैंने इस पे जैसे टैप करूँ तो यहाँ पर ये वर्कआउट ओपन हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ और यहाँ पर ओपन हो तो आप यहाँ पर कस्टम बटन में जाकर किसी भी ऑप्शन को इसमें चूज कर सकते हो, तो सिर्फ जितने भी ऑप्शन आपको इस वॉच में मिल रहे हैं उनको आप एक तरह से शॉर्टकट बटन में यहाँ पर ओपन कर सकते हो। जैसे म्यूजिक में कर रहा हूँ तो जैसे टैप करूँगा तो म्यूजिक ओपन हो गया, तो ये अच्छी बात है, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है।
उसके बाद यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन है, लैंग्वेज यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, शट डाउन, फ्री, फैक्ट्री रीसेट और सिस्टम का ऑप्शन है। तो जैसा आपने देखा भाई, वॉच में फीचर्स और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको बहुत भर भर के देखने को मिलते हैं। मुझे भाई बहुत ही बढ़िया लगे, जो इस प्राइस में मेरे को लगता है कि आपको किसी और वॉच में नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ जो फीचर है मुझे मिसिंग भी लगे हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि इस वॉच में आपको यहाँ पर जो कैलकुलेटर देखने को नहीं मिलता है, कैलेंडर का ऑप्शन नहीं है, और इवन आपको यहाँ पर जैसे गेम्स वगैरह मिल जाती हैं फायरबोल्ट की दूसरी वॉचेज में भी, तो वो यहाँ पर नहीं दिए हैं। लेकिन उसके अलावा ना, यहाँ पर अगर बात करें इस वॉच की जो IP रेटिंग की, तो इस वॉच में आपको यहाँ पर IP68 की रेटिंग मिलती है। तो ये बढ़िया चीज़ है कि अगर आप जैसे स्विमिंग वगैरह कर रहे हो, पानी में थोड़ी सी वॉच आपकी चली जाती है, तो किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी बैटरी बैकअप वाइज ना, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वॉच के जो हार्ट रेट, SpO2 और जो बाकी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कॉलिंग का फीचर है, तो उसको चेक करके मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो ये जो कैमो ब्लैक कलर है, इसको पहनने के बाद इस वॉच की जो लुक रहती है, देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। स्ट्रैप्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप लगे। इवन जो वॉच की लुक है इन हैंड, बहुत ही बढ़िया रहती है। अगर आपको एक रगेड जो लुक वाली स्मार्ट वॉच चाहिए स्क्वायर डिस्प्ले के साथ, तो इसकी लुक मुझे लगता है आपको काफ़ी पसंद आएगी। बाकी ये जो कैमो ग्रीन कलर है, इसको पहनने के बाद इस वॉच की जो लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है, तो देख सकते हो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी इस वॉच में आपको जो रेस टू वेक वाला फीचर मिलता है, तो देख सकते हो वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, हर बार वर्क करता है। लेकिन अब एक बार इसका जो हार्ट रेट और SpO2 सेंसर है, उसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं वो कितने एक्यूरेट है। तो उसके लिए मैं अपनी फिंगर पे एक ऑक्सीमीटर लगा लेता हूं, और सबसे पहले यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट है उसको मेजर करेंगे, और यहाँ पर कंपेयर करेंगे कितना जो क्लोज रीडिंग्स रहती हैं। तो अभी जैसा आप देखते हो ऑक्सीमीटर में, इस टाइम पे जो मेरी हार्ट रेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 80 बीट पर मिनट, और वॉच में दिखा रहा है इस टाइम पर 82, 83 और यहाँ पर 81, 82, देख सकते हो काफी क्लोज रीडिंग है। और इस वॉच में ना हार्ट रेट के लिए आपको यहाँ पर ग्रीन सेंसर मिलता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इसका जो SpO2 मीटर है उसको भी चेक कर लेते हैं, और SpO2 के लिए यहाँ पर आपको रेड सेंसर दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और इसको भी कंपेयर कर लेते हैं जो ऑक्सीमीटर से कितनी क्लोज रीडिंग है। वैसे जो ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे दिखा रहा है 97%, और जो वॉच है इसने भी दिखा दिया यहाँ पर 97%, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है इस वॉच की वो काफी बढ़िया है। लेकिन भाई हर बार की तरह बोलता हूँ, ये जो वॉचेज हमारी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज करो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज करना। बाकी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि अगर आपने इस वॉच को नहीं पहना ना, तो किसी तरह से ये जो रीडिंग शो नहीं करती है, तो यहाँ पर एक एरर आ गया है, तो आपको इसको पहनना होगा। बाकी इसको टेबल पे रख के भी एक बार मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, और टेबल पे रखने के बाद भी किसी तरह से यहाँ पर ये रीडिंग शो नहीं करती है। बाकी बचा भाई इसका कॉलिंग का फीचर, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नंबर डायल कर देता हूँ, और इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो चेक करेंगे कि कितना लाउड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस अब लाइव। और जैसा आप यहाँ पर सुन ही सकते हो कि जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो यहाँ पर काफी डिसेंट है, काफी लाउड है, तो मैं अभी यहाँ पर इसको काट देता हूँ। तो इंडोर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कॉल लेते टाइम, इवन आउटडोर में भी आप आराम से इस पे कॉल ले सकते हो। बाकी माइक की क्वालिटी की बात करूं, तो इस पर मैंने कुछ कॉल दी है पिछले कुछ दिनों में, और डेफिनेटली यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। किसी तरह से सामने वाले को पता भी लगता है कि मैं यहाँ पर वॉच से बात कर रहा हूँ या फिर फोन पे, अगर आप इस तरह से हाथ रखकर बात करते हो, क्योंकि मुंह के काफी पास रहता है माइक। तो कॉलिंग के लिए अगर आप ये जो वॉच लेना चाहते हो, तो मुझे लगता है आप इस वॉच को कंसीडर कर सकते हो। तो कॉल आने पर जैसा आप देखते हो कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलती है, तो कॉलर का नाम आ रहा है, कॉल काट सकते हो और उठा सकते हो। और ये जो वॉच है इस टाइम पर रिंग भी कर रही है और वाइब्रेट भी कर रही है वैसे, तो मैं यहाँ पर इसको साइलेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको उठा लेते हैं, और इसको उठाने के बाद भी आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे यहाँ पर म्यूट कर सकते हो, या फिर ये जो कॉल है अपने फोन पे ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर फोन से वॉच पे ट्रांसफर कर सकते हो। वॉल्यूम है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो अभी इसको काट देते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी SMS नोटिफिकेशन की बात करें, तो कुछ इस तरह से रहती है, तो यहाँ पर आप मैसेज पढ़ सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन हिंदी वाला जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर कटाफटा सा आ रहा है, और पूरा भी नहीं आ रहा एक्चुअली। तो पूरा मैसेज पढ़ने के लिए आपको अपने फोन में यहाँ पर चेक करना होगा, और इसमें आपको क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये तो बात हुई भाई फायर बोल्ट कॉम्बैट के फीचर्स के बारे में। जैसे मैंने शुरू में बताया था, काफ़ी बढ़िया स्मार्ट वॉच है, जो प्राइस पर ये जो वॉच है लॉन्च हुई है, जैसे मैंने बताया था 1799 रुपये में यहाँ पर ये वॉच आप खरीद सकते हो। लेकिन इस वॉच के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही आपको मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। प्रोज डेफिनेटली बोलूँगा, इस वॉच का जो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी सही लगी है जिस प्राइस पर ये आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर फीचर्स वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर मिसिंग है, जैसे यहाँ पर कैलेंडर, कैलकुलेटर या फिर आपको गेम्स वगैरह नहीं मिलते हैं, अगर आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो आउटडोर में थोड़ी सी कम लगी मुझे, लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ रिलेटेड फीचर हैं, चाहे वो हार्ट रेट हो, SpO2 हो, मुझे बहुत ही एक्यूरेट लगे। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगी है। मैं इसको वैसे 3 दिन से यूज़ कर रहा था, और 3 दिन में यहाँ पर ये 50% पे अभी इस टाइम पे दिखा रहा है, और मैंने यहाँ पर सारे सेंसर ऑन किए हुए थे और टेस्टिंग भी कर रहा था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी बैटरी बैकअप मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। कॉलिंग का फीचर भी मैंने इस पर ट्राई किया था, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन यहाँ पर कॉलिंग के साथ ये वॉच चल जानी चाहिए। बाकी इसमें आप 5 वॉच फेसेस इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, कईयों में सिर्फ एक ही कर सकते हैं, यहाँ पर 5 कर सकते हो, और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मिल रहे हैं इस वॉच में। तो ओवरऑल भाई ये जो वॉचेज हैं 1799 रुपये में, फायर बोल्ट कॉम्बैट, बहुत ही मुझे अच्छी स्मार्ट वॉचेज लगी।
दिखने में काफी बढ़िया है, रगेड स्मार्ट वॉचेज हैं। और अगर आपको 2000 के नीचे रगेड स्मार्ट वॉच चाहिए तो डेफिनेटली आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसे लगी ये फायरबोल्ट कॉम्पैक्ट, या मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस तरह के एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको।